हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की जा गई है, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को लेकर के फोकस किया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज की तरफ। उससे भी बड़ी एक न्यूज हमारे सामने ये है कि एग्जाम मंत्रा की जो टीम, जिसमें कि अभी तक साइंस सुषमा मैम पढ़ा रही थी और उसी के साथ में सुरेंद्र सर पॉलिटी पढ़ा रहे थे, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक सर, जो कि हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। ये एक बेस्ट फैकल्टी के तौर पर है, जो कि हिस्ट्री को न केवल तथ्यों और घटनाओं को ही बताएंगे, उसके साथ में आपके जीवन से जुड़ करके इस तरीके से मतलब अपने इतिहास को उसका वर्णन करेंगे, उसकी बातों को बताएंगे, जैसा आपको लगेगा कि आप जीवंत उसको देख रहे हैं। तो न केवल जो है घटनाओं और तथ्यों, बल्कि उसको देखने और सुनने समझने के बाद आपको हिस्ट्री पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है हमारे सामने, दुशांबे में एससीओ की बैठक होती है। दुशांबे कहां पर है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दुशांबे है कहां पर। उसी के साथ में अब बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, जिसमें कि एससीओ में दुशांबे में एससीओ बैठक होगी। एससीओ क्या है? ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप यहां पर देख पा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। ये कहां पर, किस तरीके से, कैसे निर्मित हुआ, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। मुख्य बिंदु में सबसे पहली जो बात है वो कि अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की गई इस बैठक में। इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, वो थे एक तो एससीओ के सदस्य थे, साथ में ही एससीओ के सदस्यों के साथ में पर्यवेक्षकों का दर्जा रखने वाले जो देश थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। भारत भी इसका एक भाग है, इसका सदस्य है, इसीलिए इसने यहाँ के भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने यहाँ भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया था और मुद्दे कुछ उठाए थे, उसको अभी हम आगे देखेंगे भारत के मांग में। तो आइए देखते हैं अगला जो मुख्य बिंदु है, सदस्यों के द्वारा अफगानिस्तान सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार पर मुख्य रूप से चर्चा की गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इस समय देखिए इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता हो गई है, जैसा कि कोरोना का माहौल हमारे पूरे देश में क्या पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। इसके अलावा जो अन्य जो बिंदु है वो उसमें ये कि आतंकवाद और उग्रवाद, आतंकवाद जिससे भारत हमेशा ग्रस्त रहा है पाकिस्तान को लेकर के, और उग्रवाद का मुकाबला करने के मुद्दों को भी उठाया गया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसी के साथ में भारत की मांग क्या होती है, सबसे पहली मांग में भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की मांग की। जैसे कोई अन्य देश जो भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं या आतंकवाद की जो बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, तो उसके वित्त पोषण को कोई, उसको जो कोई देश समर्थन कर रहा है या उसको वित्त प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके रोकने की बात की गई है। उसी के साथ में ही कोविड 19 के समय में जब सब तरफ इंजेक्शन और कोवैक्सीन या कोविड या इस तरीके से जितने भी इंजेक्शन है, तो सभी जल्दी से जल्दी सभी को टीकाकरण लगे, यह भी भारत की मांग रखी गई। इसी के साथ में भारतीय जो मंत्री ने, यानी कि एस जयशंकर जी ने, सुधारित बहुपक्षवाद की भी बात रखी है। सुधारित बहुपक्षवाद का मतलब यह है जितने भी मुद्दे हैं उन सभी में जल्दी से जल्दी सुधार किए जाएं, ये बात रखी गई। अब आइए बढ़ते हैं अपना एससीओ संगठन की तरफ। इसे शंघाई पैक्ट भी कहा जाता है। शंघाई पैक्ट से आपको याद आ रहा होगा, शंघाई पैक्ट जैसे पूना पैक्ट, तो पूना में जब कोई बैठक हो रही है और वहां पर कोई एक चार्टर बन रहा है, एक नियम बन रहा है, कानून बन रहा है, तो उसको पूना पैक्ट नाम दिया जाता है। इसी तरीके से शंघाई पैक्ट यहाँ पर शंघाई में स्थित होने के कारण और शंघाई सहयोग संगठन नाम रखा भी गया एससीओ, इसीलिए इसका नाम भी शंघाई पैक्ट भी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए इसको एससीओ बनाने की जो घोषणा की गई वो कब की गई, 15 जून 2001 को शंघाई में। शंघाई कहां पर है, चीन में। ठीक है, इसके साथ में ही देखिए यह प्रस्ताव जो लाया गया था किन किन देशों के बीच में लाया गया था, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए यहां पर 6 देशों के नाम है।
इन छहों देशों को आप मैप में भी देख लीजिएगा, जिससे जो है मैप भी आपका धीरे धीरे कंफर्म होता चले। ठीक है, मैप की भी अलग से क्लासेज होंगी, वो मैप जब क्लास होगी तो आपको इन सब चीजों को बताया जाएगा, लेकिन जो है आप लोग मैप भी देखने की आदत डाल लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले इसी में पॉइंट में, किस चार्टर के कारण एससीओ का निर्माण होता है। तो जून 2002 में बैठक होती है शंघाई में, और उसी के माध्यम से एससीओ का गठन किया जाता है और संगठन इसकी स्थापना हो जाती है। इसी के साथ में देखिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। एससीओ के जो मूल पांच सदस्य कौन कौन से हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये पांचों जो है ये मूल पांच सदस्य हैं। सबसे पहले फाउंडर मेंबर के तौर पे इनको जाना जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे पान जितने हैं तीन हैं, ठीक है, चीन रूस के बाद में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तीन तान यहां पर हैं। और उसी के साथ में अगर आप ऊपर यहां इस वाले पॉइंट पे देख पा रहे होंगे तो यहां पे देखिए यहां पे उज्बेकिस्तान जो है ये एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा हुआ है, ये बाद में आगे चल करके उज्बेकिस्तान भी इसी में जुड़ जाता है। और अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना होती है, जिसको फाइव ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तब से ये संगठन अपनी सदस्यता को लेकर के इस समय आठ देश इसमें विस्तारित किए जा चुके हैं। तो पहले पांच थे, कौन कौन से, चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, आगे चल करके उज्बेकिस्तान भी जुड़ जाता है। और उसके बाद आगे चल करके यानी कि 9 जून 2017 को, कब, 9 जून 2017 को इसमें दो सदस्य और जुड़ जाते हैं, एक तो भारत होता है और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान दो सदस्य और जुड़ते हैं, कब, 9 जून 2017 को। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत एससीओ का सदस्य है या नहीं है। हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि भारत एससीओ का कौन सा पर्यवेक्षक देश है या फिर पूर्णकालिक सदस्य है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। कैबिनेट ने कोकिंग कोल पर रूस के साथ में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। किसने, कैबिनेट ने। कैबिनेट के प्रमुख कौन होंगे, अब आप लोग ये बताइएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो सबको मालूम होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग, किसमें, कोकिंग कोल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच में एक MOU को मंजूरी दी जाती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कोकिंग कोल का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, सबसे पहली चीज वो स्टील बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं, इस्पात मंत्रालय, भारत का इस्पात मंत्रालय और रशिया का कौन सा, ऊर्जा मंत्रालय, इन दोनों के बीच में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है। अच्छा, अब इस MOU के कुछ लाभ भी होंगे, उसके बाद MOU के कुछ उद्देश्य भी होंगे। तो आइए अब लाभ पे चर्चा कर लेते हैं। इस जो MOU पे से पूरे इस्पात क्षेत्र को उनकी इनपुट लागत कम करके लाभ प्राप्त होगा। जो इनपुट लागत है और आउटपुट लागत, इसको हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं, इनपुट लागत और आउटपुट लागत क्या होता है। तो इनपुट लागत कम होगा तो आउटपुट लागत भी अगर उस पर कम कर दिया जाएगा तो उसकी पूरी जो कॉस्ट है वो पूरी कॉस्ट में कमी हो जाएगी। और कमी होने से वो हम जहां पर, जिन देशों में जहां पर ज्यादा मात्रा में ज्यादा रेट है, जहां पर ज्यादा लागत का मूल्य का है, तो वहां पर हम उसको सप्लाई दे सकते हैं। तो ये इसका फायदा होगा। इसी के साथ में जो हमारे प्रोडक्शन होंगे उसकी कमी हो जाएगी, जैसे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, साथ में ही जो प्रोडक्शन की लागत होगी वो कम होने से हम कम मूल्य में सामान को उपलब्ध करवा पाएंगे। अब अगला देखते हैं, ये जो स्टील की लागत को कम करेगा, ठीक है, स्टील की लागत को कम करेगा और उसी के साथ में इक्विटी और समावेशिता को भी बढ़ावा देगा। इसी के साथ में देखिए, इसी MOU के द्वारा कोकिंग कोल क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र भी प्रदान किया जाएगा, संस्थागत तंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ में अगला देखिए, MOU का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। इस्पात क्षेत्र में
किसमें? इस्पात क्षेत्र में भारत और रूस के बीच में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, किसके किसके बीच में? भारत और रशिया के बीच में। किस क्षेत्र में? इस्पात क्षेत्र में। इसको सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला देखिए, शामिल गतिविधियों का जो सहयोग में जो शामिल गतिविधियां उसका उद्देश्य क्या है? कोकिंग कोल के स्रोत में विविधता लाना, मतलब जो अभी तक स्रोत था हमारा उसमें भी विविधता लाया जा सके, इसीलिए इसे अपनाया गया है। अब देखिए कोकिंग कोल के बारे में हम जान लेते हैं, काफी देर से हम लोग देख रहे हैं कोकिंग कोल की चर्चा हो रही है। तो कोकिंग कोल को ही मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। क्या? मेटलर्जिकल कोल, मेटलर्जिकल कोल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्जाम में मेटलर्जिकल कोल आ जाए और आप कोकिंग कोल खोजते रह जाएं। तो मेटलर्जिकल कोल भी इसे कहा जाता है। कोयले का एक ग्रेड होता है ये भी, जिसका उपयोग जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाले कोक के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाले कोक के रूप में उत्पादन किया जा सकता है इसका। अब देखिए इसमें कोकिंग कोल, आप सबसे पहले तो ये देखिएगा कोयले के प्रकार और उन सब चीजों को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोयले के कितने प्रकार हैं। आप कोकिंग कोल उसमें से आप अलग करके देखिएगा। ठीक, अब इसके बाद अब देखते हैं प्राथमिक जो इस्पात निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया में कोक जो है वो एक आवश्यक ईंधन और रिएक्टेंट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, कोकिंग कोल की जो मांग है वो स्टील की मांग के साथ में अत्यधिक जुड़ी होती है, दोनों की मांग साथ में ही होती है, यानी कि कोकिंग कोल और स्टील की मांग दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोकिंग कोल मुख्य रूप से कहां कहां से? कनाडा से, अमेरिका से और साथ में ही ऑस्ट्रेलिया से आता है। तीन जगहों से, ध्यान दीजिएगा, कहां कहां से? कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आता है। अच्छा, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए विशेषताएं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जब कोयला पढ़ते हैं, कोयला किसमें? इंडस्ट्रीज जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, और साथ में ही साइंस में भी हम कुछ पोर्शन जब देखते हैं तो उसमें इन दोनों का मिक्सअप हमें देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना भी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। देखिए कोकिंग कोल की विशेषता के तौर पे अभी देखते हैं सबसे पहली चीज कि इस कोयले में राख, नमी और सल्फर फास्फोरस की मात्रा कम होती है। किन किन चीजों की? राख की, नमी की, सल्फर की और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसे आमतौर पर किस कोयले के तरीके से? देखें यहाँ पे बता भी दिया गया, बिटुमिनस के रूप में स्थान दिया जाता है। जैसे आपका कोयला हम देखते हैं ना बिटुमिनस कोयला, तो उसी तरीके से इसको भी स्थान दिया जाता है, कोकिंग कोल को भी। ऐसे कोयले को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में गर्म करने पर मजबूत कम घनत्व वाले कोक का उत्पादन होता है, कम घनत्व वाले कोक का उत्पादन होता है, यानी कि सबसे बेस्ट कोयले के तौर पर इसको जाना जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में इसकी उपयोगिता करते समय कोक की मजबूती और घनत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। कोकिंग कोल को थर्मल कोल से अलग माना जाता है, क्योंकि थर्मल कोल जो है वो गर्म करने पर कोक का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन कोकिंग कोल जो है वो गर्म करने पर कोक का उत्पादन करता है। कोक से याद रखिएगा, कोकिंग कोल कोक का उत्पादन करता है, थर्मल कोल अलग है, कोकिंग कोल अलग है। इसीलिए हमने आपसे ऊपर भी कहा कि कोयला को कोकिंग कोल से अलग रखिएगा, वो कोयले के जो तीन प्रकार हैं उनको आप अलग रखिएगा और कोकिंग कोल को अलग देखिएगा। तो आइए अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा क्या है? कैबिनेट में बैठक होती है, वो किस चीज को लेकर के? कैबिनेट ने डेनमार्क के साथ में स्वास्थ्य पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट, फिर यहाँ पे बात आ गई कैबिनेट की। कैबिनेट आप लोगों ने देख लिया होगा पॉलिटी में जब जो है सुरेंद्र सर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन फिर आइए देखते हैं, न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये भी बैठक होती है और उसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत का और डेनमार्क का कौन सा? यहाँ का भी स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों के बीच में एक MOU को मंजूरी दे दी जाती है। इस MOU का लाभ क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यह भी द्विपक्षीय समझौता है। द्विपक्षीय समझौता का मतलब एक तरफ भारत बैठ रहा है, दूसरी तरफ डेनमार्क, तो द्विपक्षीय समझौता होता है किस चीज
किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जा रही है तो स्वास्थ्य में होगा। उसी के साथ में इस संयुक्त पहल में प्रौद्योगिकी विकास की भी बात की जाती है, जिससे जो है दोनों मंत्रालयों के बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात की जाती है। किसके किसके बीच में, भारत और डेनमार्क के बीच में। यह जो संयुक्त पहल है वह स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के विकास के माध्यम से सहयोग को भी प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। इसी के साथ में अगला जो पॉइंट है, यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। इसी के अगले पॉइंट में देखते हैं भारत और डेनमार्क का संबंध। जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध देखते हैं, आईआर का पोर्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे देख लेने चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और डेनमार्क का संबंध अगर इसकी बात करें तो नई दिल्ली में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नई दिल्ली में ही हमारे दूतावास की बात होती है, नई दिल्ली में है, और वहां पर डेनमार्क में कहाँ पे, कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन में। अब इसी के साथ में आप देखिए यहाँ पे नई दिल्ली में डेनमार्क का दूतावास है और यहाँ पर दूतावास कहाँ पर, कोपेनहेगन में, डेनमार्क में है। इस तरीके से राजनयिक संबंध यहाँ पे बनते हैं और दोनों सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण चलाए जाते हैं। अब इसी में देखिए यह जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर भी आधारित है यहाँ दोनों के संबंधों, ठीक है। इसी के साथ में इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जब भारत और डेनमार्क के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों की जो नींव पड़ी थी वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रख दी थी 1947 में। जब हमारा भारत की आजादी की बात होती है उसी के बाद 1957 में, यानी कि 10 साल के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेनमार्क का दौरा भी किया था। अच्छा, आपको मालूम होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो डेनिश कॉलोनी हमारे यहाँ बनती है, तो एक तो आप देखे होंगे ट्रेंकोबार और दूसरा है निकोबार। तो ट्रेंकोबार में 1620 से लेकर के 1845 तक भारत में एक डेनिश कॉलोनी बनी थी। 1845 के बाद ये जो कॉलोनी है ट्रेंकोबार, ये ग्रेट ब्रिटेन को दे दिया गया था, बेच दिया गया था, एक तरीके से कहें बेच दिया गया था। ट्रेंकोबार है कहां पर, तमिलनाडु में ट्रेंकोबार है। इसी के साथ में अगला देखिए निकोबार द्वीप समूह के बारे में। निकोबार द्वीप समूह पर भी डेनमार्क द्वारा उपनिवेश किया गया था और ये कब दिया गया था, 1868 ईस्वी में, 1868 में अंग्रेजों को ये बेच दिया गया था। अच्छा अच्छा, ये न्यूज जो है क्लास के बारे में, साइंस की क्लास हमारी आपको मालूम है कि 11 बजे से चल रही है, जो कि सुषमा मैम के द्वारा ली जा रही है। पॉलिटी की क्लास जो है वो सुरेंद्र सर के द्वारा शाम को 6 बजे ली जा रही है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हिस्ट्री के सर अभिषेक सर, जो कि लाइव क्लास ये भी लेंगे। इनका समय अभी निर्धारित नहीं है, ये जल्दी ही निर्धारित एक दो दिन में करके आपको सूचना दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में साइंस का MCQs वो भी आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से क्या देखते हैं, आज से ही हो संभावना है कि पूरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। साथ में पॉलिटी के जो MCQ चल रहे थे वो भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमारा ये 5 सेक्शन, एक तरीके से 5 क्या 6, यानी कि करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो सुबह 7:30 बजे से लगा करके रात के 8:30 बजे तक आपके समय जो निर्धारित किए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहेंगे। और ये खास तौर से किसके लिए, UPPCS 2021 को लेकर के खास तौर से ये प्रोग्राम पूरा निर्धारित किया गया है। तो आइए अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है अगला न्यूज कौन सा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। किसको, राष्ट्रीय आयुष मिशन। आयुष मिशन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आइए कुछ पॉइंट्स हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NAM को, नेशनल आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी मतलब एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मंजूरी जो दी गई वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें जो कुल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात की गई है वो लगभग कितना, 4607 करोड़। हालांकि ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन एक मतलब जानने के तौर पे आप इसको बस इतना ध्यान रखिए, लगभग
केंद्र प्रायोजित है पूरी तरीके से और 4607 करोड़ रुपए की बात की गई है, ठीक है 4607 करोड़, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए केंद्र और 1607 करोड़ रुपए राज्यों का हिस्सा होगा। यह योजना कब लॉन्च की गई थी, यानी कि नेशनल आयुष मिशन की जो बात की जा रही है वो कब लॉन्च की गई थी, 15 सितंबर 2014 को, यानी कि जब से मोदी जी आ गए थे 2014 में, उसी के कुछ महीनों के बाद ये स्टार्ट हो गया था आयुष मिशन। आयुष मिशन ये पूरी तरीके से भारत में केंद्र प्रायोजित योजना है। इसी के साथ में हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए क्या है कि इसके साथ लॉन्च जो किए गए हैं वो मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो उन सब चीजों को हम देख लेते हैं, जिसमें लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था। लागत प्रभावी आयुष सेवाएं, यानी कि कम से कम मूल्य में, कम से कम जो है अप्रोच के साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके, और उसी के लिए इसको लाया गया था। उसी के साथ में अगला पॉइंट देखिए, आयुष अस्पतालों और औषधालयों को अपग्रेड करके, यानी कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं और उसी को अपग्रेड करने के बाद में ही एक सार्वभौमिक, यानी कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो सके, इसलिए इसको आयुष मिशन को लाया गया था। अगला पॉइंट देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको मालूम है कि पीएचसी, सीएचसी और डीएच, यानी कि जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सभी में आयुष सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी आयुष मिशन को लाया गया था। आयुष न केवल स्वास्थ्य में ही, इसी के साथ में आयुष शिक्षण संस्थानों को भी अपग्रेड करने की बात की गई थी और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की बात की गई है। इसी के साथ में 50 बिस्तर वाले एकीकृत जो आयुष अस्पताल हैं उनकी स्थापना करना, साथ में ही आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना भी इसी के अंतर्गत था, ठीक है। समग्र स्वास्थ्य मॉडल की सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन करना भी आयुष मिशन की योजना के तहत था। अब देखिए मिशन का महत्व तो क्या है, यानी कि आयुष जो मिशन है, इस मिशन का महत्व तो क्या है। सबसे पहले तो ये पूरे भारत में जारी की गई थी इसकी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, पूरे भारत में जारी की गई। इसके साथ में शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन करके स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को भी संबोधित कर रही है, यानी कि जो भी अंतराल हो रहा है राज्य और केंद्र के बीच में, उनके प्रयासों के समर्थन को लेकर के उसको भी बताया जा रहा है इस मिशन के तहत। इस योजना के द्वारा ही दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे गांव ग्रामीण, यानी कि जहां पर सेवाएं नहीं पहुंच पाती थी स्वास्थ्य सेवाएं, उन क्षेत्रों को पर भी ध्यान दिया जा रहा है, विशेष जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि उनकी वार्षिक योजनाओं में उच्च संसाधन आवंटित किए जा सके। अब इसका लाभ क्या है, आयुष मिशन का लाभ क्या है वो भी देख लेते हैं। यह जो मिशन है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा करके आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके, साथ में ही दवाओं और प्रशिक्षित जनशक्ति बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसी के साथ में देखिए आयुष शिक्षण संस्थानों की संख्या को बढ़ा करके आयुष शिक्षा में भी सुधार कर रहा है। शिक्षण संस्थान यानी कि हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को जो भी प्रशिक्षित किया करने की बात की जा रही है, उनकी उनमें सेवाओं को और बेहतर तरीके से कैसे प्रदान किया जा सके, उन सभी को लेकर के इसमें बात की जाती है। इसी के साथ में यह लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा संचारी और गैर संचारी, मतलब एक तो संचरण करने वाले हैं और एक जो है जो गैर संक्रमण यानी कि गैर संचारित जो रोग होते हैं, इसको साइंस में मैम ने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, डीपली बताया हुआ है, उस पर भी केंद्रित किया गया है। इसी के साथ में अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज क्या है, पीयूष गोयल साहब अब राज्यसभा में सदन के नेता बन गए हैं, यानी कि लीडर ऑफ हाउस। आप तो जानते ही हैं नेता तो वो ऑलरेडी हैं पहले से ही, लेकिन अब वो सदन के नेता बन गए हैं। कौन से सदन के, राज्यसभा के। राज्यसभा के बारे में आपको मालूम है, चलिए ठीक है, फिर भी हम कुछ आगे इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी देखते हैं इसमें, केंद्रीय वाणिज्य उपभोक्ता मामले और
खाद्य वस्त्र मंत्री। देखिए बड़ा लंबा चौड़ा नाम है लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना है ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं वस्त्र मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, जो कि राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में अब चुने गए हैं। इससे पहले कौन से थे? इससे पहले थे थावरचंद जी, थावरचंद गहलोत जी। अब उनको जब से बना दिया गया कर्नाटक का राज्यपाल, थावरचंद गहलोत जी को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया, तो पीयूष गोयल साहब को राज्यसभा में सदन का नेता बना दिया गया। अब इसको हम लोग एक तौर पे देख रहे हैं, युवा नेता, युवा नेता को एक भूमिका के रूप में शामिल करने का संकेत भी दिया गया है। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स, हालांकि ये थोड़ा सा कोई बहुत ज्यादा जो है इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं जैसे पॉलिटिकल, यानी कि इसको हम नहीं देखेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड जो है वो हम न्यूज इसमें देखते हैं। तो आइए देखते हैं राज्यसभा में सदन के नेता के बारे में क्या है। सदन का नेता राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सदन का जो नेता है वो राज्यसभा में बहुमत दल का नेता और संसदीय अध्यक्ष होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि नेता आमतौर पर या तो कैबिनेट मंत्री मंत्री या तो कोई अन्य मनोनीत मंत्री भी होता है। इसी के साथ में सदन का जो नेता है वो सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज का आयोजन भी करता है, तो इन सब को लेकर के उसके काम की चर्चा की गई है। अच्छा, या क्या ये पद जो है संवैधानिक है? हाँ, क्या ये पद संवैधानिक है? ये कई लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा कि जब उनको चुना गया पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता, तो क्या ये पद संवैधानिक है? नहीं, तो ये पद संवैधानिक नहीं है, ये संविधान में निहित नहीं है, ये राज्यसभा के नियमों के तहत इसको प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के अपने भी कुछ नियम है कि नहीं है, उसी के नियम के तहत इसको प्रदान किया जाता है। अब आइए राज्यसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है ये उच्च सदन है, ऊपरी सदन है, ठीक है। 2021 तक इसकी जो अधिकतम सीमा है वो कितनी? 245, जिसमें से 233 सदस्य चुने जाते हैं और 12 लोग नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब अच्छा, इनका चुनाव कैसे होता है? जो 233 लोग हैं वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव होता है। और जो 12 सदस्य हैं जो नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो किन किन क्षेत्रों से? वो कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में से इनको राष्ट्रपति चुन लेते हैं। राज्यसभा की जो क्षमता है वो है 250, जिसमें से 248 लोग निर्वाचित हो सकते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। अच्छा, इनके शपथ की बात की जाती है और इनके साथ ही इनके कार्यकाल की बात की जाती है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी को मालूम है कितना? 6 साल का होता है। अब आइए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है वो भी हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसमें आइए देखते हैं। अदानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया। अच्छा, अदानी समूह का नाम ही काफी लोग सुनते ही जो है उनको लगा होगा कि बाकी मतलब अब तो कुछ है ही नहीं देश में अदानी और अंबानी के अलावा, लेकिन कोई बात नहीं, न्यूज में है तो उसे तो हमें देखना ही है। तो अडानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया। भैया किससे अधिग्रहण कर लिया ये भी तो जानना होगा, तो आइए देखते हैं। इसमें जीवीके समूह है एक, उस समूह से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अधिग्रहण कर लिया गया। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु होंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में क्या है कि इस अधिग्रहण के साथ में ही अदानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गई है। तो अभी तक कौन सी पीछे थी, है ना, वो तो हर चीज में अग्रणी बनती जा रही है, तो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये आगे आ गई है कंपनी, ठीक है, सबसे अग्रणी हो गई है। इसी के साथ में देखिए, भारत 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा फैक्ट, 2024 तक बात की जा रही है, 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार। तो अब आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा इस समय सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन से देश का है, कौन से देश के क्रम का है, आपको ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में देखिए, अदानी समूह के जो 6 हवाई अड्डों के मौजूदा पोर्टफोलियो में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा एक परिवर्तनकारी विमानन मंच प्रदान करेगा।
जिससे अदानी समूह अपने B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस को लेकर के और साथ में ही B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस को इंटरलिंक कर सकेगा। ये इकोनॉमी का एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग समझना होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने वाले के साथ में ही हम आपस में एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। और एक होता है बिजनेस यानी कि व्यापारी और दूसरा होता है कंज्यूमर उपभोक्ता। अगर इसके बीच में व्यापार होता है जिसको हम B2C कहते हैं, तो बिजनेस को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है, एक परिवर्तनकारी विमानन मंच प्रदान करेगा। अच्छा, हम इनके बारे में और भी जान लेते हैं, तो अडानी समूह को जब देख रहे हैं तो इसके बारे में और भी जानना तो बनता ही है, हमारा हक है वो, ठीक है। यह अडानी समूह को अपने अन्य B2B व्यवसायों के लिए कई रणनीतिक निकटता बनाने में भी मदद करेगा और उसी के साथ में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की फिलहाल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने परसेंट हिस्सेदारी है? 74% की हिस्सेदारी है। कितना? 74% की हिस्सेदारी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग भड़का दें कि वो 100% खरीद लिया तो अब हम तो उसमें जा ही नहीं सकते। नहीं भैया, आप जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूरे आप ही लोगों के लिए, अडानी ने इतनी मेहनत की है और आप ही लोगों का है वो, ठीक। गर्व तो हम कर ही सकते हैं ना कि हमारे देश का है, ठीक। तो हमारे देश का है तो फिर हमारा ही हुआ। तो अब देखते हैं अगला। अडानी समूह के द्वारा संचालित हवाई अड्डे कुछ हैं, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले हल्ला काफी हुआ था लखनऊ को लेकर के, लखनऊ एयरपोर्ट पे जब अडानी ग्रुप का एक पूरा पोस्टर लग गया था उस पे। चलिए आइए फिर भी देखते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के द्वारा किया जाएगा, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के द्वारा, ठीक है। अडानी एंटरप्राइज को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यही है, ठीक। देखिए, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड एक अलग कंपनी है, उसी की सब कंपनी के तौर पे अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस प्रकार कंपनी कौन कौन से छह हवाई अड्डे देखिए कौन कौन से, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, ये तीन यहाँ पे हो गए, और इससे पहले जब गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर में तीन हवाई अड्डों का अधिग्रहण पूरा किया जाना अभी बाकी है। तीन का किया जा चुका है, अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु का, ठीक है। अब तीन का किया जाना बाकी है, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हवाई अड्डे हो जाएंगे, ठीक है। अडानी समूह, अगले वाले पॉइंट पे देखिए, अडानी समूह नवी मुंबई में एक हवाई अड्डा भी स्थापित करेगा। अडानी समूह ने 2024 तक नवी मुंबई हवाई अड्डे के संचालन की योजना भी बना ली है। अच्छा, अब देख लेते हैं अडानी समूह के बारे में। तो अभी तक क्या हम किसी और के बारे में देख रहे थे? नहीं, अडानी समूह को अब स्पेशली यहाँ पे देख लेते हैं कि अडानी समूह का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अच्छा, अभी 2021 चल रहा है, उसको भी हम लोग देख लेंगे कि 2021 तक उनकी जो है कितनी रेवेन्यू पूरी जनरेट होती है। लेकिन आइए इससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स। इसे अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड नाम से एक कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि सबसे पहले किस नाम से? कमोडिटी ट्रेडिंग करेगी ये कंपनी, इसी नाम से स्थापित किया गया था, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा नाम यहाँ पे, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है, ये है कंपनी। इसी के साथ में इसके विविध व्यवसाय अब स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से? बंदरगाह में भी उतर जाते हैं ये अडानी ग्रुप। उसी के साथ में बंदरगाह प्रबंधन, हवाई अड्डा संचालन, खनन, बिजली उत्पादन और पारेषण, मतलब उसको प्रसारित करना, मतलब सब जगह लगवाने की पूरे जो है टेंडर्स लेना, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा है ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय उन ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो साइंस में देखिएगा, उसमें एनर्जी में जब मैम पढ़ाएंगी तब उसको डिटेल से बताया जाएगा। प्राकृतिक गैस, खाद्य प्रसंस्करण है ना, फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस में जो भी है, बुनियादी ढांचा, तो इन सब चीजों में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड काम करती है। इसी के साथ में यह समूह जो है वो 50 देशों में 70 स्थानों पर व्यापार कर रहा है। आप कहेंगे, आप 50 देश में 70 स्थान कैसे हो गए? भैया, एक देश में दो दो तीन तीन जगह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए 50 देशों में 70 स्थानों पर वो व्यापार कर रहा है अडानी ग्रुप। अडानी समूह जो है वो अप्रैल 2021 में, कब? अप्रैल 2021 में, कितना?
पूंजीकरण में 100 अरब डॉलर को पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह बन गया है ना। देख करके एक बार शॉक लगा होगा, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, ये है हमारे सामने तो इसे हमें जानना ही है। तो ये हो गई हमारी पूरी आज की न्यूज, तो इसी के साथ हम अपनी यहीं पे बातें समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले न्यूज के साथ में। थैंक यू।